डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब चलते हैं क्लास 12th के लिए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चंस को कर रहे थे, जो एक इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज है और हम लोग इंटीग्रेशन में पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 7.3। तो 7.3 में अगर बात किया जाए तो हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 9 तक के और 10, 11, 12 ये 12 तक के क्वेश्चन को आपको हम बोले थे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, यानी कि आपने सॉल्व भी किया होगा और बहुत सारे लोग किए भी हैं, तो उनको तहे दिल से धन्यवाद। और हम ये बोलना चाह रहे हैं कि 10th में क्या था, कुछ नहीं था, यानी कि 10वें नंबर क्वेश्चन में साइन के पावर 4x था भाई, देख लो जिससे नहीं बना है, साइन के पावर 4x और dx। तो साइन के पावर 4 थीटा का फार्मूला तो हम आपको बता चुके हैं ना, साइन के पावर 4 थीटा का फार्मूला ये आपको बताया जा चुका है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो भी साइन का पावर 4 का थीटा का फार्मूला होगा उस पर तोड़ दीजिएगा, बस थीटा के जगह पे क्या है, x है। अगला क्वेश्चन है कोस के पावर 4 2x, कोस के पावर यानी कि 11 नंबर सवाल, कोस के पावर 4 ठीक है 2x dx। तो ये कोस के पावर 4 थीटा का फार्मूला पता है ना, थीटा के जहां जहां थीटा होगा वहां पे आप 2x रख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और 12 नंबर सिंपल सवाल था, ऊपर साइन स्क्वायर x था, देख लो भाई 12 नंबर सवाल को देख लो कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो 12 नंबर सवाल हम दिखा देते हैं कैसे बनाएंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में हिंट्स देते हैं जिन लोगों से नहीं बना है। 12 नंबर क्वेश्चन है साइन स्क्वायर एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स डीएक्स। ठीक है, यही सवाल है। आपको पता होना चाहिए साइन स्क्वायर एक्स है, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स, आपको फार्मूला क्या पता है कि साइन स्क्वायर थीटा जो होता है, 10th क्लास में आप पढ़े होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा जो होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है, होता है ना भाई। आपने देखो फार्मूला आप यूज करो यार, थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा, सिंपल फॉर्म में लाओ इसको, ठीक है, फार्मूला का इस्तेमाल करके। साइन स्क्वायर एक्स है तो हम वहां पे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, नीचे क्या है भाई 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। क्या इस 1 को 1 का स्क्वायर तो भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते क्या, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पे तोड़ दो इसको, तो क्या बन रहा होगा 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स, ए प्लस बी ए माइनस बी, और नीचे में क्या है 1 प्लस कॉस एक्स, तो प्लस वाला खत्म इंटू डी एक्स। दोस्तों आपको करना क्या होगा, अब ये दोनों को तोड़ देना होगा, माइनस में इसको तोड़ दीजिएगा तो क्या क्या बनेगा, 1 डी एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है, कॉस एक्स डी एक्स। तो आप आराम से कर सकते हैं, 1 का इंटीग्रेशन एक्स और कॉस एक्स का देख लीजिए क्या होता है, आपको याद होना चाहिए कि कॉस एक्स का होता है सिर्फ साइन एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या, साइन एक्स। तो इस तरीके से इजी वे में हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13, बाकी फार्मूला पे था 10 और 11, ठीक है, वो फार्मूला हम आपको लिखवा चुके हैं। 12 नंबर में थोड़ा सा अलग टाइप का था तो आपको बता दिए सॉल्यूशन करके, यानी कि देख लो इस चैप्टर में आपको बस फार्मूला मांगता है कि आप फार्मूला का इस्तेमाल करो और उस क्वेश्चन को सिंपल वे में ला दो, ऐसा सिंपल वे जिसका हम आराम से इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है, जिसका आराम से इंटीग्रेशन कर सकते हैं।
चलो भाई अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? कॉस 2x माइनस कॉस 2 अल्फा, इंटीग्रेशन है कॉस 2x माइनस कॉस 2 अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा, कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा इंटू डी एक्स, राइट। ये हम लोगों को क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ठीक है, कॉस 2x माइनस कॉस 2 अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा, ठीक है। इसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो भी कैसे करेंगे भाई, तो हम ये मान के चल रहे हो ना आपकी ये एक्सरसाइज में आपका फार्मूला ही लगने वाला है। अगर आपको फार्मूला याद नहीं है भाई आप साइड रहो, आपकी कोई यहां पे अहमियत नहीं है, क्योंकि फार्मूला इज द बेस्ट वैल्यूएबल इन दिस एक्सरसाइज, इतना ज्यादा वैल्यूएबल है कि आप सोच भी नहीं सकते। हर सवाल में फार्मूला लग रहा है, ठीक है, देख पा रहे होंगे ना हर सवाल में फार्मूला, तो ये फिर क्यों बचेगा भाई, जरा अच्छा से समझियो क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है, कॉस 2x माइनस कॉस 2 अल्फा और बटा में है कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे। तो यहां पे एक फार्मूला यूज होगा, वो फार्मूला हम लोग 11th में पढ़े थे कि कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला होता है माइनस टू साइन सी प्लस डी बटा में टू इंटू साइन सी माइनस डी बटा में टू, ठीक है। क्या होता है फार्मूला याद रखेंगे, कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला क्या होता है, माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बटा में टू। ध्यान दीजिएगा कॉस सी माइनस कॉस डी, सी के जगह पे 2x है, डी के जगह पे कॉस अल्फा है, ठीक है। तो यहां पे जब हम ये फार्मूला लगाएंगे, ये 11th क्लास का फार्मूला, तो आपको पता चलेगा कि साइन ऑफ इंटीग्रेशन ऊपर हो गया माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू, तो सी प्लस डी का मतलब कितना, 2x प्लस 2 अल्फा बटा 2 और इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, तो सी के जगह पे 2x, डी के जगह पे 2 अल्फा, तो 2x माइनस 2 अल्फा अपॉन डी और डिवाइडेड बाई कॉस सी माइनस कॉस डी। नीचे भी वही फार्मूला लगेगा दोस्तों, लेकिन सी के जगह पे x है, डी के जगह पे अल्फा है, तो यहां पे हम लोग लगा सकते हैं कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला क्या होगा, तो माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू, तो यहां हो जाएगा एक्स प्लस अल्फा बटा में टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, तो एक्स माइनस अल्फा बटा में टू, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे माइनस टू और माइनस टू, खत्म कहानी हो गया। अब आप देख पा रहे होंगे अच्छे से, तो आपको पता चल रहा होगा सिचुएशन क्या सिचुएशंस है। तो हम आपको बता चुके हैं कि एंगल में एंगल कट सकता है, जैसे ऊपर क्या बच रहा है साइन, और यहां पे टू जब कॉमन ले लेंगे, टू कॉमन ले लेंगे तो अंदर में बचेगा एक्स प्लस अल्फा और बटा में टू है, यहां यहां से टू कॉमन कर लिए तो एक्स प्लस अल्फा अंदर बच गया और बटा में टू था इंटू साइन, यहां से भी टू टू कॉमन कर लीजिए तो अंदर में क्या बच रहा होगा एक्स माइनस अल्फा बटा में टू डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस अल्फा बाई टू, क्या बच रहा है अंदर, तो नीचे बच रहा है एक्स प्लस अल्फा बटा में टू इंटू साइन
एक्स माइनस अल्फा बटा में टू, ठीक है, ये चीजें बच रहा है। अब आप देखेंगे अच्छे से, तो आपको पता चल रहा होगा कि ये टू और टू खत्म, टू और टू खत्म, तो ऊपर कितना बच रहा है दोस्तों, तो ऊपर बच रहा होगा साइन एक्स प्लस अल्फा, और यहां बच रहा होगा साइन एक्स माइनस अल्फा, ठीक है, क्योंकि टू टू तो खत्म हो गया, और बटा साइन एक्स प्लस अल्फा बटा में टू इंटू साइन एक्स माइनस अल्फा बटा में टू और इंटू डीएक्स, डीएक्स छोटे छोटा जा रहा था, आप जरूर लगाइए डीएक्स, ठीक है। इसके बाद एक और फार्मूला याद होना चाहिए आपको, इलेवेंथ क्लास में पढ़े थे कि साइन थीटा का फार्मूला होता है टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू, जिसको हाफ एंगल फार्मूला बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हाफ एंगल फार्मूला। तो अब जो भी साइन थीटा रहेगा तो हम लोग उसको टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू पे तोड़ सकते हैं। दोस्तों करना क्या है, इंटीग्रेशन, ये साइन थीटा, थीटा के जगह पे कितना है एक्स प्लस अल्फा, तो इसको फार्मूला पे तोड़ दिए टू साइन थीटा बटा में टू, यानी कि एक्स प्लस अल्फा बटा टू इंटू कॉस थीटा बाई टू, यानी कि कॉस थीटा के जगह पे कितना है एक्स प्लस अल्फा बटा में टू, फिर से इंटू साइन थीटा, अब की बार थीटा कितना है एक्स माइनस अल्फा, तो साइन थीटा के जगह पे एक्स माइनस अल्फा, तो टू साइन थीटा बटा टू, यानी कि एक्स माइनस अल्फा बटा में टू इंटू कॉस अल्फा बाई टू, सॉरी कॉस एक्स माइनस अल्फा बटा में टू। देखिए साइन थीटा का फार्मूला हो गया टू साइन थीटा बटा टू इंटू कॉस थीटा बटा टू, उसपे हम लोग इसके ये वाला साइन थीटा का हम तोड़ दिए टू साइन थीटा कॉस थीटा बाई टू, और इसका साइन थीटा तोड़ दिए टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू, और पूरा का बट्टा कितना है सवाल में, तो साइन एक्स प्लस अल्फा बाई टू इंटू साइन एक्स माइनस अल्फा बटा में दो। आप देख पा रहे होंगे सिचुएशंस को कि ये और ये खत्म हो रहा है, ये और ये खत्म हो रहा है, तो ऊपर बच क्या रहा है दोस्तों, तो ऊपर कुछ इस तरीके का बच रहा है, बच क्या रहा ऊपर, तो इंटीग्रेशन टू टू जा टू टू जा फोर, और ये कॉस एक्स प्लस अल्फा बाई टू इंटू कॉस कॉस एक्स माइनस अल्फा बटा में टू, ठीक है, ये हम लोगों को बच रहा है कॉस एक्स प्लस अल्फा बाई टू और इंटू कॉस एक्स माइनस अल्फा बाई टू। दोस्तों इसके बाद एक और फार्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले आपको जानना चाहिए कि इस फोर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, टू इंटू टू इंटू कॉस एक्स प्लस अल्फा बाई टू इंटू कॉस कॉस एक्स माइनस अल्फा बाई टू, ठीक है, ये फार्मूला तो हम लोग लिख सकते हैं, फार्मूला नहीं मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, फोर को टू इंटू टू पे तोड़ सकते हैं। क्यों दोस्तों, क्योंकि फार्मूला एक और होता है, ये आपको नहीं लिखवाया गया है इस एक्सरसाइज में, क्योंकि इलेवेंथ क्लास आपने पढ़ा होगा अच्छे तरीके से, तो वहां पे हम लोगों को फार्मूला मिलता है कि टू कॉस सी इंटू या हाँ टू कॉस सी टू कॉस ए कॉस बी, ऐसे टू कॉस ए कॉस बी का फार्मूला कितना होता है, कॉस ए प्लस बी, ठीक है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ये फार्मूला होता है,
ठीक है दोस्तों। सबसे पहले आप अगर अच्छे से देखें तो फार्मूला तो 2 cos A cos B का होता है ना, तो ये 2 का तो जरूरत नहीं है हमें, तो A को 2 को इंटीग्रेशन से क्या कर लें बाहर। A को 2 को जब हम इंटीग्रेशन से बाहर करेंगे तो बचेगा क्या, A को 2 को इंटीग्रेशन से बाहर कर लिया इसको, तो अंदर में बच रहा होगा 2 cos A, A के जगह पे पता है ना, A के जगह पे पूरा x प्लस अल्फा बाई 2 और b के जगह पे कितना, तो x माइनस अल्फा बाई 2, ये b के जगह पे है। तो हम लोग यहाँ पे 2 cos A यानी कि यहाँ के बाद से फार्मूला अपना रहे हैं, 2 cos A cos B का फार्मूला होता है cos A प्लस B, यानी कि cos A प्लस B का मतलब क्या दोस्तों, तो ये हो गया पूरा A यानी कि x प्लस अल्फा बाई 2 प्लस x माइनस अल्फा बटा में 2, फिर प्लस cos A माइनस B, तो A माइनस B का मतलब A के जगह पे कितना है, x प्लस अल्फा बाई 2 माइनस x माइनस अल्फा बटा में 2 और पूरा का dx, ठीक है। अब आप यूज करेंगे तो इंटीग्रेशन cos के अंदर ये प्लस अल्फा है ये माइनस अल्फा है दोनों कटेगा तो x और x मिलकर 2x बचेगा और 2 का एलसीएम तो 2 होता है, मतलब आप सिंपल वे में जैसे भिन्न का जोड़ घटाव करते हैं आप वैसा ही कीजिएगा तो 2 का एलसीएम निकल कर आएगा 2 और 2 से ये एक बार में कटेगा तो x प्लस अल्फा ये x माइनस अल्फा, तो अल्फा प्लस में है ये अल्फा माइनस में, तो दोनों कटेगा और x ऐड होकर कितना बनेगा तो 2x, तो ऊपर रख दिया 2x और बटा में 2, फिर प्लस यहां पे क्या है cos, ठीक है, और यहां पे x प्लस अल्फा बाई 2 और माइनस x माइनस अल्फा बाई 2, ठीक है, तो यहां पे तो माइनस x हो गया ना एक्चुअली और ये माइनस और माइनस मिलके क्या हो गया तो प्लस, ठीक है, माइनस और माइनस मिलके प्लस अल्फा, और यहां पे x और माइनस x तो कट गया ना, ये अल्फा और ये माइनस माइनस प्लस अल्फा, तो अल्फा और अल्फा मिलकर 2 अल्फा बाई 2। दोस्तों अगर किसी को ये चीजें समझ नहीं आ रहा होगा आप सिंपल वे में एलसीएम ले लेना, 2 का एलसीएम 2 और फिर ये पूरा रख देना फिर इसको रख देना, ऑटोमेटिक x और x कट जाएगा और ये अल्फा और ये माइनस माइनस कितना होगा प्लस, तो दोनों ऐड हो जाएगा, आप देख पा रहे होंगे पूरा कट गया, तो बच क्या रहा है दोस्तों सिंपल वे में हम लोगों को बच रहा है ऐसे, क्या बच रहा है तो 2 इंटीग्रेशन cos x cos x प्लस cos अल्फा इंटू dx, 2 तो ऑलरेडी बाहर है, अब हम इसको अलग अलग इंटीग्रेशन तोड़े तो cos x dx प्लस cos अल्फा dx, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। आप देख पा रहे होंगे cos x का तो इंटीग्रेशन होता है कितना sin x, cos x का इंटीग्रेशन फार्मूला याद कर लो भाई sin x, तो यहां पे हम लोगों को क्या मिल रहा है 2 और ब्रैकेट cos x का इंटीग्रेशन sin x, ठीक है प्लस, और ये cos अल्फा क्या है दोस्तों, तो cos अल्फा एक कांस्टेंट है, क्यों कांस्टेंट है क्योंकि x में तो फंक्शन ही ना है, क्योंकि जो dx रहता है इसका मतलब x में फंक्शन रहना चाहिए, यहां cos अल्फा है तो x के अलावा और कुछ भी चीजें आता है क्योंकि यहां पे dx लगा हुआ है, अगर ये dt रहता dt तब ये t में फंक्शन होना चाहिए था, अगर dy रहता तो हमें y में फंक्शन चाहिए था, लेकिन यहां पे dx है यानी कि फंक्शन x रहना चाहिए लेकिन यहां अल्फा है, तब इस सिचुएशन में हम cos अल्फा को कांस्टेंट मान लेते हैं
और इसको बाहर निकाल लेते हैं, अंदर में बचेगा सिर्फ dx और इंटीग्रेशन तो रहेगा ही रहेगा। तो कुल मिलाकर 2 साइन एक्स प्लस कॉस अल्फा इंटू dx का इंटीग्रेशन दोस्तों x, और अंत में लिखा जाता c है। तो कुल मिलाकर आंसर हम लोगों को मिल गया कैसे, 2 साइन एक्स प्लस 2x कॉस अल्फा, 2x कॉस अल्फा प्लस में c, ठीक है। तो ये हम लोगों का आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 13 का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। cos x माइनस sin x और बट्टा में है 1 प्लस साइन 2x, ठीक है, 1 प्लस साइन 2x। देखते हैं इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को। क्या क्वेश्चन है, cos x माइनस sin x बटा 1 प्लस साइन 2x, ठीक है, 1 प्लस साइन 2x इंटू डीएक्स, ठीक है। चलिए दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले यहां पे दिमाग लगाना है कि cos x माइनस साइन x उसको जरा ऐसे ही छोड़ देते हैं, cos x माइनस साइन x उसको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, इंटू डीएक्स है ये तो वैसे ही रहेगा। लेकिन इस 1 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो फार्मूला हम लोग याद किए हुए हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो यहां पे हम लोगों को एक्स में फंक्शन चाहिए, तो इस 1 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ये 1 के जगह पे हो गया। फिर प्लस साइन 2 थीटा का फार्मूला पता है, साइन 2 थीटा का फार्मूला हम लोग पढ़े थे, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। तो इस साइन 2x के जगह पे दोस्तों हम लोग रख सकते हैं क्या, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। इंटीग्रेशन ऊपर वाला को फिलहाल वैसे ही छोड़ दीजिए, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और इंटू में इधर डी एक्स, बटा में क्या बन रहा है, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन रहा है ना, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब देख लो भाई स्क्वायर कैसे लिख रहे हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स, बी स्क्वायर का मतलब कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2ab, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है दोस्तों। अब यहां तक आ गया तो अब आपको सोचना पड़ेगा, तो बहुत सारा ऐसा इंटीग्रेशन है जिसका डिफरेंशिएशन भी सवाल में रहता है, इसलिए यहां के बाद जो हम लगाएंगे वो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। और सब्स्टिट्यूशन मेथड किसको कहते हैं, तो वो अपने तरीके से सोचना पड़ता है कि किसको टी माना जाए ताकि उसका डेरिवेटिव सवाल में दिखे, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये इंटीग्रेशन जो अभी हम लोग करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने वाले हैं, कैसे, तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स को मान लीजिए टी, लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को मान लिया टी, ठीक है। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा दोस्तों, कॉस, सॉरी यहां डिफरेंशिएशन करते हैं ना, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, और जिधर लिखते हैं उधर डीएक्स और इधर डीटी, कोई दिक्कत तो नहीं ना। अब आपको क्या करना है,
सिंपल वे में, साइन एक्स प्लस कोस एक्स को आपने क्या मान रखा, टी ना, तो नीचे हो जाएगा कितना, टी का स्क्वायर, ठीक है, टी का स्क्वायर, और कोस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डीएक्स, ये पूरा के जगह पे आप डीटी लिख सकते हो, लिख सकते हो, तो आपने लिख दिया डीटी, ठीक है। अब इसको हम लोग इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या बनेगा, टी के पावर माइनस टू डीटी। अब इसका फार्मूला क्या बनेगा, तो टी के पावर माइनस वन बटा माइनस वन प्लस टी। अब इसका मतलब ये हुआ कि माइनस तो माइनस रहेगा और टी के पावर माइनस वन को वन बाई टी लिख सकते हैं, प्लस सी। अब जो भी टी हम माने थे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स उसको नीचे रख देंगे। तो इस तरीके से हम दोस्तों आंसर कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 14 था। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें जो सवाल बोल रहा है, टेन क्यूब टू एक्स, ठीक है, टेन क्यूब टू एक्स और इंटू में सेक टू एक्स। देखते हैं दोस्तों, यहां पे टेन क्यूब टू एक्स है और कुल मिलाकर देखा जाए तो टेन क्यूब टू एक्स इंटू सेक टू एक्स है, तो इस टेन को अगर हम लोग तोड़ सकें, जैसे साइन बाई कोस एंड वन बाई कोस, देन काम नहीं चलने वाला है। तो टेन क्यू टू एक्स इंटू सेक टू एक्स का इंटीग्रेशन, अच्छा ठीक है ट्राई करते हैं। तो टेन क्यू टू एक्स इंटू सेक टू एक्स, लेट अस ट्राई। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 कुछ इस तरीके से दिखा रहा है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन हम लोगों को करना है टेन क्यूब टू एक्स इंटू सेक टू एक्स इंटू डीएक्स, ठीक है। देख लो भाई, अगर हम लोग यहां पे एक चीज करें, जैसे टेन सेक स्क्वायर एक्स का होता है टेन स्क्वायर एक्स, लेकिन यहां पे हम लोग बात करें सेक टू एक्स का, तो हो जाएगा सेक एक्स का हो जाएगा, टेन एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स ना। तो हम लोग ऐसा करें टेन क्यू टू एक्स इंटू सेक टू एक्स, तो इस क्यू टू एक्स जो है इसको हम लोग दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, इट मीन्स कि टेन स्क्वायर और टेन टू एक्स, यानी जो पावर थ्री है ना, तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है और हम लोगों को जो मिलेगा कुछ इस तरीके से मिलेगा, टेन लिख दिया टेन स्क्वायर टू एक्स इंटू टेन टू एक्स, ठीक है। ऐसा क्यों लिखा जा रहा है जरा पता चलेगा, क्योंकि हम लोग टेंथ क्लास में पढ़े हैं टेन स्क्वायर थीटा का फार्मूला, वन प्लस एक स्क्वायर थीटा होता है, तो देखना पड़ता है यहां पे लगाकर कि हम लोगों को क्या बच रहा है, ठीक है, क्या मिल रहा है, तो उस हिसाब से हम लोग यहां पे काम करते हैं, ठीक है। अभी क्या क्या फिलहाल टेन क्यू टू एक्स इंटू सेक टू एक्स, टेन इसको मतलब दो टर्म में तोड़ दिया, ठीक है। तो देख पा रहे थे कि क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग सॉल्व कर रहे थे, वो अचानक से लाइट प्रॉब्लम हो गई तो सूट नहीं हो पाया। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि टेन क्यू टू एक्स था, तो हम बोर्ड पे टेन स्क्वायर और टेन टू एक्स में तोड़ दिए थे, ठीक है, ये क्यूब है ना, इसको दो और एक के फॉर्म में तोड़ दिए। फिर आपको टेंथ क्लास में फार्मूला याद होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है वन, तो सेक स्क्वायर थीटा के जगह पे, सॉरी ये टेन स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस वन इधर हो जाएगा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे टेन स्क्वायर टू एक्स है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर टू एक्स माइनस वन इसके जगह पे, टेन स्क्वायर टू एक्स के जगह पे, अरे थीटा है तो यहाँ थीटा, यहाँ टू एक्स है तो टू एक्स लगा दिए। ये टेंथ के फार्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं फार्मूला, इंटू ये मल्टीप्लाई में है तो आगे पीछे हम लोग कर सकते हैं, तो सेक टू एक्स टेन टू एक्स
इंटू डी एक्स, ठीक है, ये चीज़ें हम लोग कर लिए। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सब्टीट्यूशन मेथड लगाइए, और सब्टीट्यूशन मेथड लगाने से हम लोगों को पूरा बन जाएगा। तो सेक टू एक्स को आप टी मान लीजिए डायरेक्टली, ठीक है, तो सेक टू एक्स को जब आप टी मानेंगे तो सेक टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या, डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो सेक का होता है सेक एक्स टेन एक्स, तो सेक टू एक्स का हो जाएगा सेक टू एक्स टेन टू एक्स, ठीक है, सेक टू एक्स टेन टू एक्स, लेकिन अब टू एक्स को करेंगे तो इंटू टू होगा और इंटू डी एक्स बराबर में डी टी। इसी को अच्छा से लिखें तो ये वाला जो टू है बाहर लिख सकते हैं टू सेक टू एक्स इंटू टेन टू एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स डी टी। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सेक टू एक्स टेन टू एक्स डी एक्स तीनों मल्टीप्लाई में है, टू तो नहीं है, तो इसलिए आप यहाँ पे सेक टू एक्स टेन टू एक्स डी एक्स बराबर डी टी बटा में टू लिख दीजिए, ठीक है, लिख दिए यहाँ पे। कुल मिलाकर देखा जाए सेक टू एक्स टेन टू एक्स डी एक्स बराबर डी टी बाई टू। तो यहाँ पे अब जो आप लिख सकते हैं सेक टू एक्स को हम मान लेंगे टी, तो यहाँ हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, इंटू सेक टू एक्स टेन टू एक्स डी एक्स, इसके जगह पे क्या रख देंगे डी टी बटा में टू, ठीक है। अब ये वन बाई टू को जब हम बाहर करेंगे तो अंदर में क्या बचेगा टी स्क्वायर माइनस वन डी टी। अब इसके आगे जो है आप इंटीग्रेशन कर लीजिएगा टी के रिस्पेक्ट में, यानी कि टी में आंसर आएगा आपका, लेकिन जो टी में आंसर आएगा टी के जगह पे आप क्या रख दीजिएगा सेक टू एक्स और प्लस सी। दोस्तों इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्यूशन करते हैं। अब हम लोग अगले क्लास में आगे की क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो ये अधूरा बच गया था क्योंकि लाइट अचानक से कट गई थी और पूरा अंधेरा हो गया था रूम, तो शूट करने में प्रॉब्लम हो गई थी वीडियोज, इसलिए इस सवाल को सॉल्यूशन हम लोगों ने पूरा कर लिया। अब आगे का जो क्राइटेरिया है आप खुद कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन करने के बाद टी के जगह पे आपको रख देना क्या है सेक टू एक्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।